अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सत्तार गुल और आप देख रहे हैं गुलफैज टच। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम रियलमी ब्रांड्स के आप खुद वारंटी एक्टिव कैसे कर सकते हो, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप किसी भी रियलमी ब्रांड की वारंटी खुद से कैसे एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि इसकी जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपने सब में लास्ट में एडिशनल सेटिंग में जाना है। तो एडिशनल सेटिंग में जाते यहाँ नीचे लिखा होगा यूज़र गाइड, तो इस पर क्लिक करना है आपने। तो यहाँ लिखा है आफ्टर सेल सर्विस, तो इस पर जाके यहाँ लिखा है ई वारंटी कार्ड, तो यहाँ ई वारंटी कार्ड यहाँ पर होगा एक्टिवेशन का ऑप्शन। तो मैंने पहले से एक्टिवेट किया हुआ है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक्टिवेटेड हुआ पड़ा है। तो ऐसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं खुद से ही। तो अगर मेरी ऐसी तमाम वीडियोस आप तक पहुँचे, आप तक न्यू अपडेट्स पहुँचे, तो मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुँचे। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो पबजी गेम है वो सही तरीके से इम्प्रूवमेंट के साथ चले, तो कोई लैग वगैरह सीन ना मिले, जिस तरह पबजी आम रूटीन में चलती है तो उससे भी अच्छी चले, तो आपने उसके लिए क्या करना है, तो इसके अंदर एक ओरिजिनली गेम स्पेस का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो इसको आपने ओपन करके, जैसे ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपने कोई भी गेम, किसी भी एप्लीकेशन को आपने पावरफुल बनाना है तो उसको आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऐड करेंगे तो इसमें से अगर आप चलाएंगे तो आपकी गेम पहले से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि मुझे लाइक करें, सपोर्ट करें यार, ऐसी तमाम वीडियोज़ मैं लाता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।